हेलो दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। ये मेरा भैया है, इसका नाम तन्मय है। ये बांग्लादेश से आए हैं। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। और टीटीए के लिए हमारे दो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है टीटीए के लिए। ट्रेडर्स रिसर्च एकेडमी है हमारी, और ये दो बच्चे आए हैं हमारे बांग्लादेश से। ठीक है, बांग्लादेश मतलब कि सीधे हम लोग बात करेंगे तो एक पूरा इंडिया के बाहर के बच्चे हमारे पास में आए हुए हैं। इसके पहले भी आपने देखा हुआ था कि हमारे पास में जो बच्चे आए थे वो हमारे सऊदी अरबिया से आए हुए थे। इसके पहले एक बच्चा हमारा अफगानिस्तान से आया हुआ था। तो बहुत सारे ऑल ओवर द कंट्रीज में हमारा टीटीए का नाम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रोशन हो रहा है। ठीक है, आज हमारे साथ में तुषार है, ठीक है, और ये हमारे तन्मय है, और इन्होंने हमारा फास्ट क्लासेस 7 डेज का लिया हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी टेस्टिमोनियल्स वीडियोस बनते हैं या फीडबैक वीडियोस बनते हैं तो हमारे बच्चे उसमें बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, बट इस बार मुझे आना पड़ा इस वजह से क्योंकि ये हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो इनका जो भी कन्वर्सेशन है मैं आपके सामने शेयर करता हूं। ठीक है, असल हुआ ये है, जैसे कि इन्होंने पिछले 3 सालों से फॉरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे थे, तो बहुत अच्छा शुरुआत भी अच्छा किया था। डिपॉजिट लगभग जो है $4,500 से उन्होंने डिपॉजिट स्टार्ट किया था। उसके बाद में मतलब अकाउंट को 23,000 तक ग्रो कर लिया। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया कि हाँ यार बहुत अच्छा है, बट अचानक से क्या हुआ कि वो सारा जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? अब हम लोग अपने एकेडमिक में बच्चों को क्या सिखाते हैं कि जब भी आप प्रॉफिट को बढ़ाओ देन उसको विड्रॉल करो। अब उस टाइम इनके पास में गाइडेंस तो नहीं था, अगर मेरे पास होती तो मैं इनको जरूर बताता कि जो भी वीकली आप प्रॉफिट बनाते हो उसको वीकली विड्रॉल किया करो। इन्होंने नहीं किया और वो बनाए हुए प्रॉफिट को उन्होंने उसी में छोड़ दिया और उसके बाद में वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, अगर इस बार हमने अगर $4,000 जो है $4,500 हमने लॉस किए हैं तो आगे हम लोग और ज्यादा लॉस कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो ऑनलाइन सर्च करते हैं YouTube पे। उन्होंने YouTube पे सर्च किया और सबसे पहले मेरे से बात हो गई इनकी। इन्होंने अपना तुरंत स्लॉट बुक कर लिया कानपुर में ट्रेनिंग लेने के लिए। जो हमारे 7 डेज का फास्ट ट्रैक क्लासेस है उसको उन्होंने बुक कर लिया और उसके बाद में आकर के ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब जो सेशंस है जो हम लोग यहां पर ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन है उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप बगल में मेंटर के बगल में बैठ कर एक एक चीजें क्लियर करते हैं तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। अब दूसरी चीज एक और इसमें आती है कि देखो, मार्केट को एनालिसिस करना या थोड़ा सा फोरकास्ट करना लगभग सभी के लिए ऑलमोस्ट इजी है, बट जब बात आती है एंट्री की तो कौन सा पर्सन कितना अच्छा एंट्री ले पाता है, ये हम लोग के लिए सबसे टफ चीज होती है, राइट। तो यही चीज हम लोग अपने पूरा ऑफलाइन जो ट्रेनिंग सेशन चलता है उसमें लोग सिखाते हैं कि एग्जैक्ट एंट्री हमें कहां पर लेना है और एग्जैक्ट एग्जिट हमें कहां पर करना है, बिल्कुल छोटे से लॉस के साथ में। ठीक है, तो ये सारा का सारा कुछ उन्होंने अपने कंटेंट इनको पढ़ाया है, जैसे आपका सप्लाई एंड डिमांड हो गया, जैसे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, जैसे हमारा लिक्विडिटी मार्केट कैसे ग्रैब करती है, हमारा मार्केट इंड्यूसमेंट कैसे डेवलप करता है, लोगों को फेक ब्रेकआउट करके कैसे बाहर निकालता है और उसके बाद में मार्केट फिर आपके डायरेक्शन में चला जाता है। इस सारा का सारा कुछ प्रैक्टिकल उन्होंने तन्मय ने और तुषार ने सीखा है हमारे यहां से। ठीक है, तो ये बुरा था, अब थोड़ा सा लैंग्वेज इश्यूज है तो वो थोड़ा सा कोशिश करेगा, बट फिर मैं बोलूंगा कि तुषार एक दो लाइंस जरूर बताएगा कि हमारी ट्रेनिंग लेकर के इनको कैसा लगा। तुषार प्लीज थोड़ा सा बताइएगा हमारे। हां सर, की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, यहां पे आके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा जो YouTube में नहीं दिखा रहा था, यहाँ पे आके हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया। तन्मय कुमार घोष मेरा नाम, আমি বাংলাদেশ থেকে আসছি স্যারের শেখার জন্য, ফরেক্স কোর্স করার জন্য। তো স্যার যতটুকু এখান থেকে আমি পাইছি তো অনেক অনেক কিছু, তো আশা করা যায় এখান থেকে আর আমার যে লসের যে ইয়ে ছিল সে লস আর হবে না আশা করা যায়। ইয়াসে ইয়াসে জো কুছ ভি মিলা বহুত আচ্ছা মিলা, यहाँ पे आके हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया और आगे आगे जाके ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और मार्केट मार्केट समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है।